नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जनपद के थाना उगैती क्षेत्र में 50 वर्षीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मंदिर पर पूजा करने आई, जिसके साथ मंदिर के महंत व दो अन्य साथियों ने गैंगरेप के बाद हत्या कर दी, जिसकी वजह से थाना पुलिस की जमकर फजीहत हो रही है। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक हैवानों ने उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डालकर शर्मसार घटना को अंजाम दिया था। ऐसे ही गैंगरेप की वारदात कुछ समय पहले निर्भया कांड हुआ था, उसी से मिलता जुलता कांड ने बदायूं में उस वारदात को फिर से ताजा कर दिया है। इसी पूरी घटना में पुलिस की लापरवाही से तेज तर्रार एसएसपी संकल्प शर्मा ने कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी को निलंबित भी कर दिया, जिसमें दो आरोपियों की गिरफ्तारी भी सुनने में आ रही है कि हो चुकी है। पुलिस के लिए मुख्य आरोपी बाबा सत्यनारायण की तलाश जारी है। इसी वारदात को सुनकर आज बदायूं की सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य व बीएल वर्मा अपने भाजपा प्रतिनिधि मंडल के साथ पीड़िता के परिवार से मिलने उनके गांव पहुंची। उन्होंने गैंगरेप जैसी वारदात को लेकर परिवार से मिलने के बाद मीडिया से कतराती नजर आई हैं। साथ ही बीएल वर्मा ने परिवार के साथ दुर्भाग्यपूर्ण हुई इस घटना को जघन्य अपराध का दर्जा दिया। वही परिवार को न्याय दिलाने के लिए आरोपी को जल्द गिरफ्तारी कराकर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि और मामले को स्वयं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संज्ञान में ले रहे हैं। रही बात क्राइम की, क्राइम भी उत्तर प्रदेश पूर्णतः कंट्रोल है। वही थाना पुलिस की हुई लापरवाही से विपक्ष को सत्तारूढ़ सरकार पर हमला बोलने का मौका मिला है। अब देखना यह है कि सरकार द्वारा पीड़िता को वास्तविकता में क्या न्याय मिल पाएगा। तो क्या एक इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करना इस मामले में? देखिए, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, हमने नारा दिया था। उस नारे पर ही माने मुख्यमंत्री जी यानी कैसे हमारा सुशासन आए, रात और दिन एक कर रहे हैं और पूरी तरह से क्राइम कंट्रोल है। कुछ घटना इस प्रकार की होती है, दुर्भाग्यपूर्ण होती है। मंत्री जी, चार साल हो गए हैं, लगभग चार साल सरकार को आपको हो गया। तो आप लोग कह रहे थे पिछला वाला जो कार्यकाल था उन लोगों को धो रहे थे हम लोग, अब चार साल हो गए लेकिन क्राइम बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है। कार्यकाल आप देखेंगे तो चार साल का कार्यकाल माने जो योगी जी के सरकार का कार्यकाल है बहुत ही स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा, बहुत अच्छा कार्यकाल है और कानून को कंट्रोल करने का काम किया है। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं जो दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो जाती हैं, उनके लिए हम पूरी तरह से तुरंत कार्रवाई भी करते हैं और किया है। संत जी, इस तरह से जिस तरह से चला जाता है भाजपा सरकार में गुंडा राज भ्रष्टाचार और इतनी बड़ी लापरवाही पुलिस के सामने आई कि 18 घंटे बाद सब का जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, 18 घंटे बाद 1 किलोमीटर दूर पुलिस पहुंच पाती है। देखिए, अगर घटना में अगर उनका इस प्रकार का लापरवाही नहीं होती तो उसको सस्पेंड नहीं होना पड़ता सर। सुनिए, इसलिए पूरी इस घटना की कार्रवाई के लिए हमारे माननीय सांसद जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, माननीय मंत्री जी हैं, पूरी सरकार और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हम कल मिलकर आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान ले रहे हैं और निश्चित रूप से जो कार्रवाई जितनी होना चाहिए होगी। एक मुलजिम गिरफ्तार जो होने को रह गया है वो भी तुरंत ही गिरफ्तार हो। मंत्री जी, घटना घटने के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं, 25 लोगों की जान चली गई सर। जिला बदाऊ तहसील बिलसी से संवाददाता पुष्पेंद्र कुमार की इंडियन प्राइम न्यूज के लिए खास रिपोर्ट।